नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रश्न काल में आज का सवाल, आखिर किसके इशारे पर नीतीश के सांसदों को भगाया जा रहा है और भाजपाई कार्यकर्ता खुलेआम बीच सड़क पर उनको अपमानित कर रहे हैं, भगा रहे हैं। मोदी के कार्यकर्ताओं ने बिहार में नीतीश कुमार के सांसद को भगाना शुरू कर दिया है और अब बिहार की सड़कों पर बीजेपी बनाम जेडीयू का संघर्ष, अब ये माना जाना चाहिए कि सड़कों पर आ चुका है। अंदरखाने में जब से गठबंधन हुआ ये, तब से संघर्ष की चर्चा। पहले दौर के मतदान के बाद कहा गया कि जेडीयू ने बीजेपी को निपटा दिया। दूसरे दौर में चर्चा हुई, दोनों एक दूसरे को निपटाने जा रहे हैं और अब पर्दे के पीछे निपटाने वाली प्रक्रिया बंद हो चुकी है, अब सड़क पर निपटाना शुरू हो गया है और खुलकर नारेबाजी शुरू हो गई है। तस्वीरें मुंगेर की हैं, मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा, उसके साथ ही साथ मनीष आनंद को भी अभी जोड़ रहा हूं, लेकिन पहले कंट्रोल रूम से कहूंगा जरा छोटी विंडो में वो तस्वीर दिखाएं किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगे मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ, और ये नारे लगाने वाले कोई और नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं। कंट्रोल रूम दिखाइए जरा और सुनाइए। अब जरा बाइट भी सुना दीजिए। ठीक है, मोदी से बैर नहीं और जेडीयू वाले सांसद की खैर नहीं, नीतीश के सांसद की खैर नहीं, ये भाजपा कार्यकर्ता कह रहे हैं। सुनिए जरा आगे कहानी। आप मंसरी तले जाइए, व्यक्तिगत तौर से अगर ईमानदारी है तो, और वहां से किसी टोटो वाले को बोलिए कि मकसदपुर जाना है या कासिम रिया जाना है, एक आदमी आने के लिए चाहता नहीं है। अगर माँ बहन या लेडीज किसी का प्रेगनेंसी की अवस्था रहा, इस अवस्था में कैसे लेके जाएंगे? ठीक है, आप हॉस्पिटल बनाए, सुविधा लाख दे रहे हैं, अरे लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं, तो लाख सुविधा देने से क्या फायदा? नल जल का योजना, मतलब 15 साल से जिंदल, जब से कोरा है यहाँ पे सड़क, तब से अभी तक एक सड़क नहीं बना, लेकिन मकसदपुर छोड़ के मुंगेर का हर कोना में सड़क बन रहा है, क्यों ऐसा? मकसदपुर से भेदभाव क्यों? आप हमेशा मकसदपुर से ही आते हैं वोट लेने के लिए, उसके बाद आते हैं लगता है हम लोग कूड़ा पट्टी में रहते हैं, डोमटोली में रहते हैं। दोबारा आते कि नहीं? कभी नहीं आए, कभी नहीं दोबारा। ये इलेक्शन के बाद 20 साल के बाद आज पहली बार, जिस समय इलेक्शन होना था पिछला बार, उस समय दुर्गा स्थान में आए थे, अब इस बार काली स्थान में आए हैं। 5 साल के बाद सिर्फ दर्शन देते, ठीक है। पिछले बार जहाँ गए वहाँ मुद्दे, हमको नीतीश वहाँ जाएंगे नहीं, मोदी से कोई बैन नहीं, लेकिन ललन सिंह आपके सामने सवाल की तो आप तो देखे खुद, सवाल करने में भाग गए भाई भाई, बिना जवाब। सवाल जब किया गया उनसे प्रेम पूर्वक, सवाल किया गया था, किया गया यही कि आप जीतने के बाद दोबारा कब दर्शन दीजिएगा, तो कोई खराब बात कहाँ पूछा? मूलभूत जो सुविधा है आप उसी के बारे में पूछा ना, आपको सांसद हम लोग क्यों सांसद आते हैं एकदम बस। हमको तो पिछले 10 साल से जो सुविधा चाहिए आम आदमी को, वो तो अभी तक मिला नहीं है। आप ही सांसद से आपने कुछ सवाल किया, वो गर्म भी हो गए थे, गुस्सा भी हो गए थे क्या? गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दिए। क्या कहा? वो सीधा चले गए सीधे, तो वो हमको नहीं लगता है कि जो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो अभिषेक कुमार सिंह, बस यही लोकल है, जगह का नाम बताइए। मकसदपुर काली असम, सांसद लोग का विरोध, सांसद का विरोध हमने इस मुद्दे पे किया कि जब ये आरजेडी में थे तो जब मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी तो इन्होंने उस समय मेडिकल कॉलेज का विरोध किया था। आज आके अपने नाम पे वाहवाही क्यों लूट रहे फिर, कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, फिर आप क्यों लूट रहे वाहवाही? जब इनसे सवाल किया गया कि आप कोरोना के टाइम में क्या बार मुंगेर की जनता को देखने आए, तो कोरोना के बाद आइए देखने, क्यों कोरोना के टाइम में मुंगेर का जनता को आपको जरूरत नहीं था फिर, तो अभी आप वोटिंग वोट का टाइम आया तो आपको जरूरत पड़ने लगा, तो आप बीच में आ गए वोट मांगने के लिए, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो आप थे ही नहीं साथ में, फिर ऐसा जनप्रतिनिधि को हम लोग चुन के क्यों भेजे? सहारा इंडिया का बैंक का पैसे का मामला है, क्या कहना था? सहारा इंडिया का तो उसके बारे में हमको नॉलेज है नहीं, ठीक है, हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे क्या? इसी बात को लेकर मेरा ये मुद्दा था कि आप जो
आप आके जो वाहवाही लूटे अभी कि मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार का देन है। आप जब आरजेडी में थे तो मेडिकल कॉलेज का विरोध आपने ही किया था, ये चीज रिकॉर्ड आप लोग के पास भी होगा, न्यूज में भी आया था। सांसद का जो वादा वो झूठा वादा, एकदम झूठा। और अब जो कोरोना वोट बैंक के लिए बस आप लोग बस, जब तक वोटिंग का माहौल है तभी तक ये लोग नजर आएंगे, उसके बाद अपने अपने स्थान धर लेते। एक तो पहले ये मुकामा के है, ये तो मुंगेर आएंगे नहीं, मुंगेर के जनता कोई लेना देना है नहीं। जब से जीत के गए पहली बार आया। मेरा अनुराग कुमार, विद्यार्थी परिषद, ये मकसदपुर। सुना आपने, विद्यार्थी परिषद के हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन नीतीश कुमार को घेर रहा है, कौन ललन सिंह को घेर रहा है, कौन मोदी को फंसा रहा है। सब आपस में फंस गए हैं और बीच सड़क पर सब आपस में एक दूसरे की जो है कमीज उतार रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। और ये जो चर्चा शुरू हुई पूरी कि कैसे उनको पकड़ा और वो भागे, जरा वो भी देख लीजिए। उसको पूरा वीडियो तो नहीं दिखाएंगे, लंबा हो जाएगा, लेकिन झलक देखिए। कंट्रोल रूम छोड़ दिए ना, भाषण कर दीजिए। मुंगेर जब कोरोना खत्म हुआ तो बहुत मजबूत कोरोना के टाइम एक बार भी नहीं लगा, कोरोना के टाइम में कोई तो निकलने का अनुमति नहीं था। मुंगेर शहर के हर मोहल्ले में हमें फॉगिंग करवाने का, देख रहे हैं। चलिए हटा दीजिए, बहुत सारे वहां पर लोग पूछे और आखिर में तो भगे, और जब ये भगे वहां से तो पीछे से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देख रहे हैं, भाजपा का पटका गमछा लिए हुए। अब मनीष आनंद को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम, मनीष आनंद को जोड़। मनीष, ये तस्वीरें बड़ी, भाजपा और नीतीश कुमार, मोदी और नीतीश कुमार, मुझे लगता है दोनों के लिए सुखद नहीं है। ये इशारा कुछ ऊपर से है क्या? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कलाई, जहां पर 400 पार का नारा है, मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है कि तीसरी बार पीएम बने, बिना ऊपर के इशारे के भाजपा के कार्यकर्ता तो ऐसा करेंगे नहीं कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश के सांसद की खैर नहीं। क्या चल रहा है, कौन निपटा रहा है किसको? ये तो आशीष तय है कि सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए, खासकर जेडीयू और बीजेपी, दोनों के अंदर नंबर गेम चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है। और अमूमन ज्यादातर सांसदों का यही हाल है, इसलिए शायद कई सांसदों का टिकट भी कटा है। ज्यादातर सांसद के बारे में पब्लिक की यही राय है, जो नए नए वोटर आए हैं जिनसे कि बीजेपी को उम्मीदें थी, लगता है वो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा ये नए वोटर में से ही एक वोटर नजर आ रहे थे जो विद्यार्थी परिषद से अभी जुड़े हुए हैं। तो ये एकदम सही बात है कि दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। इसका असर फर्स्ट चरण, पहले चरण में हुए चुनाव में भी देखने को मिला कि किस तरीके से नवादा और गया में खासतौर पर कम वोटिंग हुई, औरंगाबाद में कम वोटिंग हुई। जब अब दूसरे चरण में भी वही हाल, अब जब तीसरे चरण और चौथे चरण की तरफ चुनाव जा रहा है तो उसमें भी जो बातें आ रही हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार तो एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। मतलब अगर यही आशीष, मैं खगड़िया की बात बताता हूँ, खगड़िया में राजेश वर्मा है चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार, उनके लिए कल से सम्राट चौधरी कैंप कर रहे हैं खगड़िया में, ठीक। वो चिराग पासवान के उम्मीदवार है, वो कैंप करने के पीछे दो वजह, एक तो वो चिराग पासवान की पार्टी से है जिनसे की कोई बैर नहीं है, ठीक है, दूसरी बात कि वो सम्राट चौधरी का अपना गृह जिला है, तो वहां पर सम्राट चौधरी और उनकी जाति के बहुत अच्छे वोटर है वहां पर, तो सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा पूरे दांव पर है कि सम्राट, और वहां से इंडिया गठबंधन ने सम्राट चौधरी के ही जाति के एक उम्मीदवार को माले से टिकट दिया है, तो वो कोई माले का बेस नहीं रहा है, लेकिन माले को प्रयोग करने के हिसाब से जिस तरह का लालू यादव ने इस बार प्रयोग किया, तो इस बार वो माले को वो सीट दी गई है खगड़िया पे, जहां पे सम्राट चौधरी के जाति के ही उम्मीदवार है। अब सम्राट चौधरी के पीछे चुनौती क्या है? सम्राट चौधरी के पीछे चुनौती है कि उस वोटर को खींच के इंडिया गठबंधन में ना जाके अपने पास लाना।
एक तो पहलू ये, दूसरे बात है कि वो चिराग पासवान के, तो अगर चिराग पासवान के हैं तो वहां कैंप कर रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार के जाति के अगर कोई कैंडिडेट है तो क्या चिराग पासवान ऐसे ही कैंप करेंगे? उपेंद्र कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा हाजीपुर में चिराग पासवान के नॉमिनेशन के साथ मौजूद थे, चिराग उपेंद्र कुशवाहा का वो गृह जिला भी है हाजीपुर, इसलिए भी थे। लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार के किसी रोड शो में या किसी उम्मीदवार के नॉमिनेशन में उपेंद्र कुशवाहा इस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो? मुझे लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी एक तरफ हो गई है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने ललन सिंह के लिए एक और कदम उठाया है कि जो विधायक है, अनपुर विधायक है अनंत सिंह बाहुबली, जो कि वो जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है जिसमें प्रभाव माना जाता है अनंत सिंह का, मुकामा उनका जो विधानसभा क्षेत्र है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है वो, तो उसको अनंत सिंह पेरोल पे छूट रहे हैं। आज 15 दिन का पेरोल है, उस 15 दिन के पेरोल में जो है वो चुनाव मुंगेर का निकल जाएगा, तो ललन सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि ललन सिंह की हार सीधे तौर पे नीतीश कुमार की हार मानी जाएगी क्योंकि वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं ललन सिंह, उनके बीजेपी से रिश्ते खराब भी हुए थे जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया था, और उस समय उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में ललन सिंह ने क्या क्या कहा था वो पूरी दुनिया ने सुना, किस तरीके से उनका फिर हृदय परिवर्तन मुश्किल से नीतीश कुमार ने किया। तो जो बीजेपी के वर्कर हैं वो उनको तो हो सकता है कि मोदी अमित शाह को 400 दिख रहा हो, इसलिए वो इस चक्कर में ललन सिंह के उस गुस्ताफी को माफ कर गया, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नेता वो तो नहीं माफ कर रहे होंगे दिल से, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं दिल से नहीं माफ कर पाऊंगा, तो वैसे वो भी दिल से नहीं माफ कर पा रहे होंगे, इसलिए ये विरोध देखने को मिल रहा है। अमूमन यही स्थिति हर जगह है। झंझारपुर, आशीष अभी बात करते करते मुझे याद आया कि झंझारपुर एक सीट है जहां से मुकेश सहनी के पार्टी के उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ उम्मीदवार, संघ बैकग्राउंड के हैं, वो बीजेपी से MLC रहे हुए हैं। अब वहां भी, वहां हालांकि झंझारपुर में भी JDU के ही उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल, आप समझिए बात को, रामप्रीत मंडल JDU के उम्मीदवार है, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन से कौन खड़ा है, सुमन महासेठ जो है वो खड़े हैं, वो कौन है? सुमन महासेठ संघ बैकग्राउंड के आदमी हैं, बीजेपी के MLC रह चुके हैं, बीजेपी से टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन वो टिकट JDU के कोटे में चला गया इसलिए रह गए। तो वहां पर भी जो संघ के अंदर के लोग हैं, संघ के अंदर के लोग हैं, वो जब MLC का चुनाव इस बार लड़े थे तो MLC के चुनाव में भी उनको बढ़ चढ़ कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या उनके प्रखंड प्रमुख ने उनको समर्थन दिया था। तो यहाँ पर भी झंझारपुर भी एक ऐसी सीट है जहां पर अंदर खाने जो है वो, चूंकि भले वो चेहरा तेजस्वी का हो लेकिन अंदर तो दिल तो मोदी जी का धड़क रहा है, तो वो भी बात कार्यकर्ता मानते हैं अगर ये जीत के जाएगा तो ये तो संघ का ही आदमी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अमूमन हर सीट पर इस तरह के तरीके का खेल जो है वो चल रहा है। अब देख पिछले फेज के चुनाव में जाएंगे तो पप्पू यादव को समर्थन किसका था? बीजेपी के नेताओं का था, वो छुपी हुई बात नहीं है। उससे पहले के चरण में सीवान में आप देख लीजिए, मैंने आपको तस्वीर भेजी थी, आपने देखा होगा कि शहाबुद्दीन की पत्नी जो है वो भगवा वस्त्र पहन के और जो है वो चुनरी ओढ़ के कर रही है। आपने कभी शहाबुद्दीन को इस तरीके से नहीं देखा होगा कि शहाबुद्दीन दर्शकों को हमारे कंट्रोल रूम से बोलेंगे कि दर्शकों को दिखा भी दे, उनके पास वो फोटो पहुंच गई है तो वो दिखा भी दे। अब एक चीज और इस बीच में, ये पूरी चर्चा आप जारी रखिएगा, इसके बीच में एक बात और कि जैसे ये कहा जा रहा ना कि किसका इशारा है, आपने कहा कि मोदी और शाह तो 400 के मिशन की तरफ देख रहे हैं, भाजपा चिराग उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी सब एक हैं और सब मिलकर के निपटाएंगे नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर इतना बड़ा धब्बा लग चुका है कि, और भाजपा का एक मकसद है, JDU जिस दिन बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हुई
उस दिन बीजेपी का स्पेस अपने आप बढ़ जाएगा। जब सीधे मुकाबले में बीजेपी सीधे मुकाबले में अक्सर जो है भारी पड़ने लगे, जब जब उत्तर प्रदेश उदाहरण है, जब तक बसपा मजबूत रही, बसपा और सपा दोनों मजबूत रही तो भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती, दूसरे तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनना उसके लिए मुश्किल हो गया। ये स्थिति थी बिहार में। ये तस्वीर देखिए आ गई, ये तस्वीर है हिना साहब, और आपको यकीन होगा ये साहबुद्दीन की पत्नी है, और इनके अगल बगल का जैसा माहौल देखिए आप लोग। ये पुरानी तस्वीर है, कई दिनों पहले आई थी, लेकिन चर्चा किया मनीष ने तो हमने कहा कि दिखा देते हैं जरा। ये तस्वीर आपने देख लिया, ये देख करके जिस समय तस्वीर आई थी ये देख करके बिल्कुल चौंक गया हर व्यक्ति कि बीच में हिना साहब नकाब में बुरखे में और चारों तरफ हैं। यहाँ भी जेडीयू के ही उम्मीदवार हैं, यहाँ भी जेडीयू के, एग्जैक्टली ये समझने की बात है, यहाँ भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और ये जो भगवाधारी हैं ये हिना साहब के साथ। ये समझने की बात है कि नीतीश को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे भाजपाई, भाजपा निपटे या बचे ये बाद की बात है, ये तो 4 जून को पता चलेगा निपटेगा कौन, लेकिन कोशिश कौन कर रहा है कम या कौन ज्यादा कर रहा है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जो मैं कह रहा था कि 400 पार के चक्कर में नीतीश एक तरफ अकेले पड़े हैं और उधर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। कुछ जगहों पर हो सकता है मोदी जी चाहते हो कि हम जीत के ही आए, लेकिन सिर्फ ये भाजपा में एक और नई स्थिति पैदा हुई है। अब सिर्फ भाजपा मोदी और शाह के कंट्रोल में नहीं है, अलग अलग प्रदेशों में भाजपा कई खेमों में बटी हुई है। मैंने तो कई रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स इकट्ठा की और दिखाया दर्शकों को कि जिले में कई खेमे में बटी हुई। तो बिहार में भी जरूरी नहीं है कि मोदी या शाह इशारा कर रहे हो, ऐसा व्यक्ति भी इशारा कर सकता है जो मोदी शाह से भी परेशान हो चुका हो, उब चुका हो कि चलो सब बिगाड़ ही दो, खेल न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ेंगे। उस फॉर्मूले पर कम थोड़ा ना है, नित्यानंद राय का गुट है, सम्राट चौधरी का गुट है, सुशील मोदी बीमार है बेचारे, नहीं कुछ कहा जाना चाहिए लेकिन वो उनको तो कैसे बिल्कुल पीछे कर दिया मोदी जी ने। ये वाले मोदी जी जो हैं विष्णु अवतारी मोदी जी, इनसे कम औरा नहीं था, वो जेपी आंदोलन के जमाने के हैं सुशील मोदी, उनको बिल्कुल ही गायब कर दिया राजनीति। वो अश्विनी चौबे का अलग अपना मिजाज है। तो इतने गुट बिहार भाजपा में, इतने गुट हैं, मंगल पांडे गुट और कितने कितने गुट, वो हम तो कम बता रहे हैं, मनीष और बताएंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इसको जैसे कहते ना कि एक आग में घी डालना या हवा देना विवाद, ये जो आपसी संघर्ष दिख रहा है और ये संघर्ष सड़क पर आ गए, इस संघर्ष को ऐसा तो नहीं कि भाजपा के ही गुटबाजी का परिणाम हो, वहीं से कोई गुट हवा दे रहा हो। हाँ, अलग अलग आशीष, अलग अलग जिलों पे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में भी इस तरह की बातें हैं। अब आप दरभंगा की बात करिए तो दरभंगा के अंदर भी जो है वो बीजेपी के अंदर 2-3 गुट है। मैं एक संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। मधुबनी के अंदर भी एक दो गुट है। एक गुट तो निकल के महागठबंधन से टिकट ले आया मधुबनी में, झंझारपुर सीट से। तो इस तरह की गुटबाजी तो बीजेपी में, और जो जो जिनको उम्मीदवार बनाया है सुमन महासेठ को झंझारपुर से, वो सुशील मोदी के करीबी आदमी रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह की बातें तो है ना। उनके लोगों को किनारे किया गया राजनीति में, बिहार की राजनीति में वर्तमान जो नेतृत्व है बिहार का, उसने किनारे कर दिया, तो उसने दूसरी राह पकड़ ली। अब उस राह पे कितने दिन टिकेंगे नहीं टिकेंगे वो अलग बात है, लेकिन राह तो बदल ली ना। और ये तो मान ली खुल के आ गया, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर ये मामला अभी खुल के नहीं आया है। जैसे मान ली सिवान का ही उदाहरण ले ले, जहां पहले सांसद थे ओम प्रकाश, उनका टिकट पिछले चुनाव में ही काट दिया गया था। तो वो अपनी राजनीति खत्म नहीं करेंगे ना सिवान में, उनको भी तो राजनीति करनी है। तो ये जो भगवा वस्त्र देखा अपने हिना साहब का, तो उसी राजनीति के कई पार्ट्स हैं, उसमें से ये भी एक चीज है। तो इस तरह की बातें हर जिले में है, हर लोकसभा क्षेत्र में है, बीजेपी के अंदर भी है, बीजेपी के बाहर भी है। अब एक सीट है जहानाबाद, वहां से जेडीयू के सांसद हैं, इस बार भी टिकट चंद्रवंशी को मिला है, उनके खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार दी है। बीच में तीसरा तिकोन कौन बना रहा है, तीसरा तिकोन बना रहे हैं अरुण कुमार जो जहानाबाद से पूर्व सांसद थे, जो जिन्होंने कभी कहा था कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे, जो अभी चिराग पासवान के
की पार्टी में थे, उनकी पार्टी से टिकट नहीं मिला, अलायंस में चला गया, तो वो बीएसपी से उम्मीदवार है। तो इस तरह के कई जगह है, वो अरुण कुमार है, तो वो किसको डैमेज करेंगे? अरुण कुमार, उनका वोट, अरुण कुमार भूमियार जाति से आते हैं, तो वो किसका वोट बैंक लेंगे? वो जेडीयू, जेडीयू के उम्मीदवार का ही हिस्सा खाएंगे ना। तो इस तरह की बातें हैं, जेडीयू के लिए राह बहुत मुश्किल है, उतनी मुश्किल बीजेपी के लिए भी नहीं है और उतनी मुश्किल आरजेडी के लिए भी नहीं है। तो जेडीयू को इसमें से अपने लिए छान के सीट लाना बहुत बड़ी चुनौती है। 15-16 सीट, मैं 16 सीट पे जेडीयू के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, पिछली बार 17 में 16 जीता, घनघोर लहर में जीत के आए, उसमें से एक सीट जहानाबाद सीट मानी जाती है ऐसी कि वहां हार हो गई थी, लेकिन रिकाउंटिंग में जहानाबाद की सीट जेडीयू को चली गई, तो नहीं तो वहां 15 ही की संख्या रह जाती, फिर भी मान के चलिए कि 16 सीट लाए, तो इस 16 में कहां तक कम लाएंगे? बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश कुमार कम से कम सीट लाए, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ये बड़ा भाई, बड़े बिहार में बड़े भाई की हैसियत मेरी ही बने रहे, भले विधानसभा में छोटे भाई हो गए लेकिन विधान लोकसभा में ले आएंगे तो मेरी बड़े भाई की हैसियत बची रहेगी, क्योंकि एक साल बाद, डेढ़ साल बाद फिर बिहार में भी चुनाव होगा, फिर सीट बंटवारा होना होगा। देखो, और अगर मान ले कि फिर पाला बदलते हैं तो इतनी हैसियत होनी चाहिए कि मुझे दूसरे पाले में वजन मिले। अगर सांसद विधायक तो कम हो ही गया आधा, बीजेपी और आरजेडी से तो इनके पास विधायक आधा है ही, अगर सांसद भी आधा हो जाएगा तो इनकी राजनीतिक हैसियत बचेगी क्या? बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से नीतीश कुमार के पैरेलल चिराग पासवान को खड़ा करने की कोशिश की और बहुत हद तक कर दिया, उनको मतलब उनके चाचा को दरकिनार करके चिराग पासवान को बढ़ाया है और चिराग पासवान को मनचाहा सीट दिया, जो जो सीट चिराग पासवान चाह रहे थे उस सीट को दिया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो जानती है कि नीतीश कुमार से जो नुकसान उनको हो सकता है नीतीश कुमार के अलग होने से, वो चिराग पासवान पूरा कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान और उनके पिता की ऐसी इमेज रही है कि उनको मुस्लिम वोट भी मिल जाता है, तो जो ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वहां चिराग पासवान के कैंडिडेट बीजेपी उतार सकती है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा। तो बीजेपी ने अपने तौर पे इस चीज की तैयारी कर ली है, इसलिए चिराग पासवान को उधर, क्योंकि चिराग पासवान की डिमांड आरजेडी की तरफ से भी थी, आरजेडी भी चाहते कि चिराग पासवान आ जाए, अगर चिराग पासवान आ जाते हैं तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान जो है उन्होंने एनडीए के साथ, मोदी के साथ, मोदी के हनुमान भी वो अपने आप को कहते, तो और चिराग पासवान की भी जो है वो एक तरह से राजनीतिक दुश्मनी नीतीश कुमार से ही रही है, तो चिराग पासवान तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार निपट जाए। अगर नीतीश कुमार का चेहरा डाउन होगा तब तो फिर नीतीश कुमार आए, लालू आए, फिर तेजस्वी आए, तो तेजस्वी के पायलट कौन होगा? सम्राट चौधरी होंगे कि चिराग पासवान होंगे? कोई तो खड़ा होगा ना, तेजस्वी एकमात्र चेहरा होंगे नहीं बिहार में, ऐसे कई, जैसे नीतीश कुमार लालू आए तो सुशील मोदी भी आए, तो वो ऐसे इसी तरीके से सेकेंड लाइन तैयार हो रही है, तो सेकेंड लाइन में एक चिराग पासवान है, एक तेजस्वी यादव है। अब बीजेपी अपने लिए खोज रही है कि उसके पास कौन, लेकिन जेडीयू के पास वो भी नहीं है, तो जेडीयू को भी देखना है, तो नुकसान घूम घूम के नुकसान बीजेपी को होना है, नुकसान जेडीयू को होना है। आरजेडी के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, पिछली बार 0 सीट पर थे, तो इस बार तो उससे कुछ आगे ही आने की उम्मीद है, 0 सीट पर तो कम से कम आउट नहीं होंगे, इतनी भी बात तय है। तो आप देखिए, तो कुल मिला के सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं जो अभी दिख रहा है, खासकर जेडीयू वर्सेज ऑल की स्थिति अभी बनी हुई है। ये जेडीयू वर्सेज ऑल, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि तमाम हमारे भी साथी हैं और बिहार के लोग, कई वो कहते हैं नीतीश कुमार बड़े बहुत सातिर तरीके से बीजेपी को निपटाने जा रहे हैं, लेकिन जो आपने अलग अलग सीटों पर बताया, चाहे झंझारपुर हो, चाहे मुंगेर की हालत देखी हमने, मधुबनी, अलग अलग जहां जहां आपने बताया, दरभंगा, ये तो चिंताजनक है। और सिवान, ये तो हर तरफ से नीतीश कुमार, नीतीश को, अच्छा एक बात और समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान बीजेपी को ज्यादा जरूरी चिराग लग रहे हैं, उनके पसंद की सीटें भी, कहीं इसके पीछे ये वजह तो नहीं है, क्योंकि जो मैं यहां से आकलन कर रहा हूं, गलत है सही है आपसे समझूंगा, कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है उसमें नीतीश कुमार के पास पूरा का पूरा वोट बैंक करीब करीब सत्ता का वोट बैंक है। जिस दिन नीतीश कुमार कुर्सी से हटे, एक लंबे वक्त से सत्ता में, जिस दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये वोट बैंक दरक जाएगा, सड़क जाएगा, हो सकता है कुर्मी वोट बैंक बचे, और वो बहुत कम है, बहुत कम, कुशवाहा भी नहीं है साथ,
कुशवाहा पे तो इस बार आरजेडी ने ही बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। तो इनका वोट बैंक जो है, कहते हैं ना कि डेडिकेटेड, जैसे लालू के साथ यादव और मुस्लिम है, भाजपा के साथ अपर कास्ट है, भूमिहार है, वैश्य है, व्यापारी बनिया है। नीतीश का कोई भी ऐसा वोट बैंक, कंक्रीट सॉलिड डेडिकेटेड वोट बैंक नहीं है जो नीतीश कुमार सत्ता से बाहर रहे तो भी उनके साथ चले। वो वाला वोट बैंक है जो अक्सर सत्ता में बैठे आदमी जिसका अपना जनाधार नहीं होता उसके साथ भी धीरे धीरे लाभार्थी वोट बैंक होता है, वो खड़ा हो जाता है। दूसरा कोई सत्ता में आता है वो उनसे जुड़ जाते हैं क्योंकि वो लाभार्थी है, उनको किसी भी सत्ता में लाभ लेना, वो लाभार्थी वोट बैंक। वो जैसे अति पिछड़ा या महादलित बनाए इन्होंने, वो जुड़े। लेकिन वो नीतीश के साथ कब तक चलेंगे, वो भी नीतीश के पार्टी में कोई फेस नहीं है, नीतीश के सेहत पर बार बार सवाल उठते हैं, कोई आगे चेहरा नहीं है जैसे लालू यादव के लिए आगे तेजस्वी हैं। बीजेपी भी तैयार करने की कोशिश कर रही है, चिराग खुद ही युवा है, जैसे तेजस्वी हैं वैसे चिराग, वो भी नहीं है। तो कुछ रहेगा नहीं, कहीं बीजेपी ये मौका तो नहीं बनाने की कोशिश कर रही है दूर तक देखते हुए। बीजेपी लंबे समय तक प्लान पे काम भी करती है, तभी कई बार जनता समझ भी नहीं पाती और झांसे में आ जाती है कि जेडीयू खत्म हो जाएगा। एक बार जेडीयू खत्म हुई तो जेडीयू का मतदाता बढ़ जाएगा, उसमें कुछ आरजेडी की तरफ जाएगा, कुछ भाजपा की तरफ जाएगा, हो सकता है ज्यादा भाजपा की तरफ जाए, ये कैलकुलेशन किया होगा भाजपा ने कास्ट वाइज। और प्लस चिराग के पास सॉलिड वोट बैंक है, वो 5% के आसपास कहा जाता है कि वो है, वो रामविलास के समय था, चिराग के भी साथ, और 1-to-1 फाइट में वो चिराग को साथ लेकर के आरजेडी से कांटे का मुकाबला कर सकते हैं, या हो सकता है भारी पड़े या हल्के पड़े, वो बात कहीं इस प्लान पे तो नहीं काम हो रहा है। निश्चित आशीष, जेडीयू के दो वोट बैंक है, जैसे आपने पूर्वी कुशवाहा के कहा, कुशवाहा में सिंधमारी हो चुके, कुशवाहा से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे करके अपने में या भूपेंद्र कुशवाहा को साथ रखे उसको जोड़ लिया। तो नीतीश कुमार के पास एक जो मुख्य वोट बैंक मुझे नजर आता है वो एक महिलाओं का वोट बैंक है, महिलाएं उनको बहुत अच्छी मतलब अच्छी संख्या में वोट करती है। दूसरा मुस्लिम भी, जैसे अगर महागठबंधन अगर आरजेडी के साथ है तो मुस्लिम पूरी तरह से इंटैक्ट हो गए करते, लेकिन अगर बीजेपी के साथ है तो मुस्लिमों का एक हिस्सा बीजेपी जो है वो आरजेडी को वोट बैंक पे सेंधमारी होता है, तो ये बीजेपी को मदद करता है कि अगर वो कोई मुस्लिम का वोट कोई खींच के लाए। ये कला चिराग पासवान में भी है, चिराग पासवान भी मुस्लिम के वोट को ला सकते हैं जैसा कि रामविलास पासवान लाते रहे, हो सकता है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन और दूसरा वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के पास अपना जो उनका 5-7% का है वो है, तो वो देख लीजिए कि वो पूरा कर रहे हैं चिराग पासवान, मुस्लिम भी ला रहे हैं। और अगर बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो कि अगर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने होती है तो बहुत सारी महिलाएं जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो जाती है बीजेपी को, तो बीजेपी ये भी ये मान के चलती है कि महिलाओं का एक बड़ा वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी को मिलता है। तो अगर नीतीश कुमार फिर कुछ इधर उधर जाए तो वो वोट बैंक भी जो है वो नीतीश कुमार हमसे खींच ना पाए, इसकी व्यवस्था जरूर बीजेपी ने कर लिया कि अगर नीतीश कुमार खत्म हो गए तो जो जेडीयू हमारे हिस्से का वोट लेके महिलाओं का चले जाती है तो वो वोट मेरे पास जो है वो रह जाएगा। तो दोनों तरीके से देख ले, मुस्लिम हो चाहे महिलाओं हो, दोनों वोट बैंक, और यहाँ तक पूर्वी कुशवाहा का तो वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा है कि किसी खास सीट को बहुत ज्यादा प्रभावित, खासकर लोकसभा में तो प्रभावित नहीं करता, वो अलग अलग हिस्से में है, उनकी जाति की संख्या वो भी कुछ जिलों में तक ही है, लेकिन फिर भी वो एक वोट बैंक है। तो उसका भी तो बीजेपी ने अपने लिए घोष लिया, उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखा हुआ है और उसके साथ जो है वो सम्राट चौधरी को अभी नेतृत्व दिया हुआ, तो वो एक चेहरा बीजेपी ने अपने तरीके से कुशवाहा को या गोरमी कोयरी के लिए तोड़ लिया है। तो अब नीतीश कुमार की उतनी उपयोगिता मुझे नहीं लगती है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी को नजर आएगी, उन्होंने अपने तरीके से इनको निपटा दिया। यानी निपटाने की ही कोशिश, अभी निपटाया हो या ना, लेकिन कवायद निपटाने की जारी है। और जब ये निपटाने की कोशिशें पर्दे से बाहर आने लगी, जब निपटाने की कोशिशें सड़कों पर नजर आने लगी, जब निपटाने वाले जिंदाबाद से, दिखावे वाले जिंदाबाद से खुले मुर्दाबाद तक पहुंच जाए, तो समझिए कि अब संघर्ष सड़क पर आ चुका है, अब कुछ भी हिडन नहीं है। और मोदी से बैर नहीं,
नीतीश कुमार के सांसद की खैर नहीं, ये कहना सतही रूप से सामान्य रूप से लगता है कि ललन सिंह के खिलाफ है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये नारा कायदे से ये है कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश कुमार की खैर नहीं, क्योंकि ललन सिंह निपटेंगे तो किसको कमजोर किया जा रहा है, नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। नीतीश के प्रत्याशी कम होंगे, सांसद कम होंगे, नीतीश के विधायक कम होंगे, तो नुकसान किसका है, नीतीश कुमार का है। कई नेता नीतीश के साथ जुड़े, कई नेता बड़े बने, लेकिन जब वो हारेंगे वो जीतेंगे, वो नीतीश को ताकत देंगे या नीतीश को कमजोर करेंगे। तो अगर नीतीश के सांसदों की या प्रत्याशियों की मुखालपत खुलेआम भाजपा ही कर रहे हैं तो सीधे सीधे नीतीश को ये चुनौती माना जाना चाहिए। हमें इजाजत दीजिए, मनीष ने वक्त दिया हमें, धन्यवाद मनीष आपका। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, नमस्कार।